हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बस का कॉन्सेप्ट, बस क्या है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर बात करें कि बस होता क्या है कंप्यूटर में, तो उसको सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ वायर्स। कलेक्शन ऑफ वायर्स इज कॉल्ड बस। अब रियल में बस होता क्या है और इसका काम क्या होता है, तो हम लोग ये जानेंगे कि कलेक्शन ऑफ वायर्स को बस कहेंगे। तो इसका काम क्या है, तो ये डेटा को जो है ना कंप्यूटर के एक पार्ट से किसी दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। कंप्यूटर के किसी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के पास डेटा को पहुंचाने का काम करता है। जस्ट लाइक ए हाईवे, जैसे हाईवे हमारा होता है, तो क्या होता है हाईवे कि एक टाउन को दूसरे टाउन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, हाईवे करता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक कंपोनेंट से यानी कंप्यूटर के एक पार्ट से अदर पार्ट में अगर डेटा को सेंड करना है, तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वायर्स का यूज किया जाता है और उसी कलेक्शन ऑफ वायर्स को अब बस कहा जाता है। अब इसको डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन में है अ कलेक्शन ऑफ वायर्स, कलेक्शन ऑफ वायर्स थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड, कलेक्शन ऑफ वायर्स जिसके द्वारा डेटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज नोन एज बस। यानी कि जब कलेक्शन ऑफ वायर्स डेटा को ट्रांसमिट करता है कंप्यूटर के एक पार्ट से अदर पार्ट में, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बस कहेंगे। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट में है बस इज ए हाईवे। बस क्या है, हाईवे ऑन विच डेटा ट्रेवल्स विद इन ए कंप्यूटर। बस एक हाईवे की तरह काम करता है कंप्यूटर में, जिस पर डेटा ट्रांसमिट करता है। जस्ट लाइक जैसे हम लोग का हाईवे है कि एक टाउन से दूसरे टाउन को कनेक्ट करने का काम करता है, जिस पे अब उस हाईवे का डेटा जो हो सकता है, जैसे कि इंसान है जो पैदल चलता है, साइकिल से चलता है, मोटरसाइकिल से चलता है, कार बस ये सब क्या हो गया, उसका डेटा हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हमारे कंप्यूटर का जो डेटा हो गया, क्या हो गया, जीरो और वन हो गया। तो जीरो वन जिस वायर से, कलेक्शन ऑफ वायर से ट्रांसमिट होता है कंप्यूटर का एक पार्ट से किसी अदर पार्ट में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बस कहते हैं। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है इट कनेक्ट्स ऑल द इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के जो जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं वो कलेक्शन ऑफ वायर से कनेक्टेड होते हैं और उसी कलेक्शन ऑफ वायर्स को हम लोग बोल रहे हैं बस। यहाँ कह रहा है कि ऑल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को जो है ना कनेक्ट करने का काम करता है कंप्यूटर में टू द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। सीपीयू से मेन मेमोरी को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा बस करता है। क्लियर है। अब देखिए जो बस होता है वो तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट है डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डेटा बस एक कंपोनेंट से, कंप्यूटर का एक पार्ट से किसी अदर पार्ट में डेटा को ले जाने का काम करता है। एड्रेस बस एड्रेस को एक पार्ट से किसी अदर पार्ट में जाता है, और कंट्रोल बस इन सारे प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। ये देखता है कि जब डेटा हमारे एक कंपोनेंट से, एक पार्ट से अदर पार्ट में जाता है, तो डेटा कहीं हमारा जो है ना लॉस तो नहीं हो गया, क्या डेटा एग्जैक्टली उस एड्रेस पे पहुंचा जहाँ पे पहुंचाना आ था, तो उस एड्रेस को लेने का काम करता है एड्रेस बस। ये जो है ना बस का आर्किटेक्चर है। अगर तीनों बस को आप मिला देंगे एक साथ, तो इसको कहते हैं सिस्टम बस। सिस्टम बस अगर पूछा जाए कि व्हाट इज सिस्टम बस, वो सिस्टम बस जो है ना तीनों एक साथ जब कंबाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टम बस। अब ये देखिए ये सिस्टम बस का जो है ना आपको डायग्राम देखिए, यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आपको निकलेंगे। देखिए कंट्रोल बस ऑल द प्रोसेस को जो है ना कंट्रोल करता है। एड्रेस बस एड्रेस को ले जाने का काम करता है कंप्यूटर के एक पार्ट से अनदर पार्ट में, और डेटा बस डेटा को ट्रांसमिट करता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट निकलता है कि पूछा जाता है कि कौन सा जो बस होता है वो वन डायरेक्शन होता है और कौन बाई डायरेक्शन होता है। अब जो हमारा जो एड्रेस बस है, ये एड्रेस हमारा सीपीयू जनरेट करता है। जो सीपीयू है, सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करता है, उसको कहते हैं एड्रेस बस, जहाँ पे डेटा पहुँचाने का काम डेटा बस करता है। जो एड्रेस सीपीयू जनरेट किया है उस एड्रेस पे डेटा को ले जाने का काम करता है डेटा बस, और वहाँ पे कहीं कोई लॉस तो नहीं हुआ, डेटा एग्जैक्टली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया, उसका जो है ना कंट्रोलिंग
कंट्रोल बस करता है। तो देखिए आपका यहाँ पे सीपीयू है, मेमोरी है और इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो सीपीयू से जो है ना जो तीनों हमारे बस कनेक्टेड हैं उसका जो है ना दिशा देखिए मेमोरी से और इनपुट आउटपुट डिवाइस से। तो जो आपका कंट्रोल बस है सबसे ऊपर देखिए क्या है, कंट्रोल बस है। तो ये कंट्रोल बस देखिए आपका सीपीयू से जो है ना कनेक्टेड है, मेमोरी से भी कनेक्टेड है और इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड है। और देखिए बाई डायरेक्शनल रूप से कनेक्टेड है, देखिए यहाँ भी बाई डायरेक्शनल है दोनों दिशा में, यहाँ भी दोनों दिशा में है और यहाँ भी दोनों दिशा में है। तो ये जो होता है ना हमारा कंट्रोल बस होता है ना बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि ये सब डिवाइसेस से जो है ना कम्युनिकेट करते रहता है, कंट्रोलिंग करने का काम करता है। कंट्रोल बस इज ए बाई डायरेक्शनल, दैट मीन्स कि ये दोनों दिशा में काम करता है, ले जाने और ले आने दोनों का कंट्रोलिंग दोनों से जो है ना कम्युनिकेट करता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों से कम्युनिकेट करता है। अब क्या होता है एड्रेस बस, देखिए एड्रेस बस सीपीयू जनरेट कर रहा है, एड्रेस बस सीपीयू जनरेट कर रहा है, लेकिन ये एड्रेस बस कहाँ मिल जाता है, एड्रेस कहाँ ले जाता है, तो मेमोरी में। तो ये दिशा देखिए आपको, ये जो है ना आपको सिंगल डायरेक्शनल है, यानी कि एड्रेस देता है, एड्रेस लेता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एड्रेस बस जो है ना, सॉरी यहाँ पे एड्रेस बस जो होता है ना वन डायरेक्शनल होता है, एड्रेस बस आपका वन डायरेक्शनल होता है, जो सिर्फ जो है ना सीपीयू जो है ना जनरेट करता है और एड्रेस बस मेमोरी को क्या करता है, देता है। तो आपको वन डायरेक्शनल और टू डायमेंशनल देखना है तो आप देखेंगे मेमोरी के साथ, देखिए मेमोरी के साथ जो है ना कंट्रोल बस बोथ दोनों दिशा में है, यानी कि बाई डायरेक्शनल है। आपका जो है ना एड्रेस बस सिंगल डायरेक्शनल है, वन डायरेक्शनल है, जबकि आपका जो है ना डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है। आप देखिए यहाँ से जो है ना ये जो है ना मेमोरी से बाई डायरेक्शनल रूप में कनेक्टेड है, तो ये भी हो गया बाई डायरेक्शनल। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो है ना डेटा बस कंट्रोल बस दोनों जो है ना बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि आपका एड्रेस बस यूनिट डायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शनल होता है। यहाँ से जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको बस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और ये इसका डिफिनेशन हो गया और इसका जो है ना आर्किटेक्चर हो गया बस का। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।